ओके ठीक है जस्ट मिनट एक टेक्निकल चेक कर लेते हैं देख लेते हैं समस्या तो किसी को कुछ नहीं है फटाफट फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हाँ फटाफट बेटा दे दो आ, पोल दे दो ताकि पता चल जाएगा यार कोई समस्या तो नहीं चला गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मधुर आवाज आ रहा है चलो ठीक है ओके चलिए ठीक है तो अपन कहां तक थे लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में सर अपन पढ़े थे नोट्स के बारे में ठीक है नोट्स नोट्स क्या होता है उन जगह को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो या ऐसे बोल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल सकता है ठीक है उसके लिए हम लोगों ने दो फॉर्मुला पढ़ा था दो तरह के नोट्स के लिए भी बात किया था ठीक है याद है दो तरह के नोट्स के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में ठीक है क्लास खत्म होते होते ठीक है दो तरह के नोट्स कौन कौन से थे तो सर एक था एंगुलर नोट दूसरा था कौन कौन से नोट था एंगुलर नोट था और स्फेरिकल नोट था ठीक है तो दो तरह के नोट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था ठीक है एक और भी उसका नाम होता है क्या नाम होता है भाई आवाज आ रही है रेडियल रेडियल नोट ठीक है तो एंगुलर नोट और रेडियल नोट या एंगुलर नोट और स्पेरिकल नोट या प्लेनर नोट और आ, क्या हाँ प्लेनर रोड और प्लेनर नोड और रेडियल uh, नोट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ठीक है तो ये कॉमन नेम है उनके मैं लिख दे रहा हूं सारे के सारे के बारे में ठीक है तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली एंगुलर या फिर प्लेनर ओके सेकेंड था रेडियल या फिर <coughs> हाँ स्फेरिकल ठीक है ये इनके कॉमन देखो नॉर्मली इनको जानते हैं एंगुलर से और रेडियल से ठीक है बट बहुत जगह प्लेनर और स्फेरिकल भी लिखेगा formula क्या होता है एंगुलर नोट का सर इसका फॉर्मूला होता है एल प्लेन स्फेरिकल नोट या रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है तो सर होता है एन माइनस एल माइनस वन टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो नोट होता है वो होता है एन माइनस वन ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे ठीक है कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये फॉर्मूला अपने को समझ में नहीं आया एल क्या है अपने पास अजिमुथल क्वांटम नंबर एन क्या है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल वन एल यहां पे तो ये अजिमुथल है एंड माइनस वन टोटल नोट कितना हो गया दोनों को ऐड कर दिया तो एन माइनस हो गया टोटल नोट चलेगा कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या ये चीज तो समझ में नहीं आई जादू वादू हो गया है अपने को तो हां जी चलो ठीक है यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ओके okay. नेक्स्ट पे आते हैं ठीक है अब बात ये आता है कि आ, एंगुलर नोड रेडियल नोड या फिर या ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं रे, रेडियल पढ़ रहे हैं इनका मतलब क्या है थोड़ा दे सा फिजिकली थोड़ा दे सा दे फिजिकल सिग्निफिकेंस बता हूँ बट थोड़ा, दे थोड़ा, दे थोड़ा दे सा बता रहा हूँ हाँ जी बोलिए क्या हो गया सर थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कल थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था कुछ नहीं देखो इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा बस ये नोट्स पढ़े है, हैं ठीक है टाइप दो टाइप ऑफ नोट्स हैं एंगुलर नोड रेडियल नोड इनका कॉमन है में प्लेनर और स्फेरिकल एस्फेरिकल फॉर्मुलाइनस एल माइनस वन बस यही पढ़ा इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है चलो अब बात करते हैं कि यार ये नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है और ये नोट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कैसे होते हैं पी अगर अपने पास पी दे दिया या फिर अपने पास एस दे दिया तो उसमें अपन कैसे बताएंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं हूं। बहुत ज्यादा दे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं ठीक है मान लो अपने को दे दिया है टू एस ठीक है अपने को मान लो दे दिया सबसेल दैट इज टू एस ठीक है तो पहले इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड ठीक है ठीक है या फिर नंबर ऑफ एंगुलर नोड या रेडियल नोड बोलो रेडियल ज्यादा बेटर है तो रेडियल नोड बोलते हैं ठीक है तो एंगुलर नोड की बात करें तो अपने पास फॉर्मूला क्या है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है सीधे एल ठीक है तो एस के लिए एल क्या होता है जीरो एस के लिए एल का मतलब क्या है जीरो तो इसमें एंगुलर कितना होगा? जीरो ठीक है उसके बाद बात करते हैं अपन रेडियल नोट की रेडियल नोट इसमें कितना होगा तो रेडियल नोट का फॉर्मूला अपने पास क्या है तो N -L -1. तो मैं रेडियल का एन माइनस एल माइनस वन एन टू एल कितना है Two. L कितना है इसके L कितना वजह से जीरो माइनस वन मतलब अपने पास रेडियल नोट कितना आ गया वन टोटल नोट कितने हो गए इसमें तो टोटल नोट अपने पास हो गए दोनों को एड कर दो दैट इज वन तो अपने पास ये आ चुका है टू की पूरी कहानी ठीक है, मान लो कोई और बोला कोई दूसरा सा कोई दूसरा सबसे ले ले लिया लिया मान लो अपने को ले लिया है थ्री 3D, तो 3D में कहानी क्या होगी तो इसके लिए एंगुलर नोट क्या हो जाएगा तो इसके एंगुलर नोट क्या होता है एल एल क्या होता है डी का टू रेडियल नोट कितना हो जाएगा तो एन माइनस एल माइनस वन एन इसका कितना है थ्री एल कितना है टू देखो थ्री हो गया रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या, क्या है अपने एन माइनस एल माइनस वन तो यहां पे एन हो गया थ्री एल कितना हो गया टू तो एन माइनस टू माइनस वन ये कितना हो गया जीरो टोटल नोट अपने पास कितने आ गए तो टोटल नोट अपने पास आ चुके हैं टू दोनों को एड कर लिया टू प्लस जीरो दैट इज टू किसी को इस दोनों एग्जाम्पल में समस्या है तो फटाफट फ़ड़ बताओ कि सर समझ में नहीं आया जादू हो गया चलेगा चलो ठीक है अब आगे बात करते हैं कि सर ठीक है ये दोनों चीज तो ठीक है लेकिन इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है इनको फिजिकली हम कैसे समझेंगे सर नोट वोट वाली कहानी क्या है ठीक है तो थोड़ा सा मैं एक बार बात कर लेता हूँ एक एक को ले लेके ठीक है मैं इसको रब कर रहा हूँ और थोड़ा सा टूएस पे बात कर लेता हूं ठीक है देखो तो अपने को दिखता क्या है कि रेडियल नोट जो है ना वो एक है देखो तो रेडियल नोट का मतलब क्या होता है रेडियल नोड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से रेडियली कोई एक ऐसा जगह रेडियली कोई एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो न्यूक्लियस से रेडियली कोई एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो तो अब देखिए से रेडियली ऐसी

न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पैसे समझ लो ऐसा होगा के रेडियली का इलेक्ट्रॉन के बीच मतलब तो तो में सब जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हम बोलते थे भैया ये, ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ है कि इनमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन इस पूरे पूरे ग्राफ में एक स्फीयर ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अगर हम टूएस बनाए तो उसमें रेडियल नोट कितना है 1 तो मतलब समझ लो कुछ इस तरीके से कि इसमें बीच में एक ऐसा यहां स्फियर है ये बीच में एक ऐसा स्फियर है जो इस न्यूक्लियर जो ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे कुछ रेडियल डिस्टेंस पे मान ले आर ए है तो एक आर ए डिस्टेंस पे एक स्फियर है और इस स्पियर में इस स्पीयर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो होगी यही कहने का मतलब होता है इस रेडियल नोड का कि अगर आपने टूएस ले लिया तो होगा क्या कि टू एस बहुत बड़ा सा स्फीयर है तो उस बहुत बड़े से में बीच में एक ऐसा एक स्फीयर होगा एक ऐसा हॉलो सा एक कहानी होगी एक हॉलो सा एक जगह होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है जीरो होने वाली है तो हमने बोल दिया कि भैया ये क्या है नोड है कौन सा नोड है तो भैया ये वाला जो नोड है दैट इज या तो इसको ये रेडियल नोट बोलना है तो रेडियल बोल लो या स्फेरिकल बोलना है तो तोल बोलो तो मैं स्फेरिकल यहां पे फिलहाल लिख दे रहा हूं, क्योंकि स्फीयर जैसा दिख रहा है तो ध्यान रखने में आसानी रहेगी ठीक है तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कोई ये बोल सकता था कि सर टूएस में अपने पास एंगुलर तो हमेशा जीरो आएगा बिल्कुल सही बात है में एंगुलर हमेशा जीरो आएगा इसलिए क्योंकि टूएस को जब आप बनाते हैं तो कोई ऐसा प्लेन देखो इसका नाम एक और भी होता है प्लेनर नोट तो कोई एक ऐसा प्लेन नहीं एग्जिस्ट करेगा जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई इसको ऐसे दिया ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया और बोल दिया कि भैया वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है

इतने कहानी में किसी को समस्या तो फटाफट बताओ कि सर ये रेडियल नोट और एंगुलर नोट समझ में नहीं आया हाँ जी चलो ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना ठीक है चलो रेडियल नोट का तो एक एग्जाम्पल हो गया अब एंगुलर नोट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर एंगुलर नोट की कहानी कैसी है या फिर प्लेनर नोट की कहानी कैसी है ठीक है तो देखो एक कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया है p का एग्जांपल लेते हैं ठीक है मान लो हमने एग्जांपल ले लिया टू पी अब टू पी में अपने को पता है कि रेडियल नोट कितना होगा एंगुलर नोट कितना होगा तो सर एंगुलर नोट तो एल के बराबर होता है पी का एल मतलब वन पी का एल मतलब वन सीधे वन ही लिख ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है रेडियल नोट कितना होगा तो एन माइनस एल माइनस है टू टू माइनस वन मतलब कितना हो गया जीरो। तो रेडियल नोट कोई नहीं करेगा, लेकिन एंगुलर नोट कितना एग्जिस्ट करेगा एक एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ चलो पी को बनाते हैं ठीक है ठीके? तो अपने को पता है कि पी कैसा होता है भैया तो पी ऐसा होता है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है कोई एक प्लेन बताओ जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता या ऐसे कि जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा तो अपने को दिख रहा है यार कि इधर तो करेगा इधर तो तो करेगा करेगा ये वाला जो सेंटर है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे जो ग्राफ है वो लगभग ना के बराबर बना हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन है ये वाला जो प्लेन है जो इस सेंटर को काटते हुए जा रहा है इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो है इसलिए हम कह सकते हैं और चुकी ये प्लेनर है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेनर नोट एग्जिस्ट कर गया चलेगा कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो कि सर पता नहीं है क्या जादू सा हो गया है अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी ध्यान रहे दीक्षा बोल रही अभी आया मेरे डाउट का सॉल्यूशन कौन से डाउट बेटा वट एवर ठीक है पता नहीं आप क्या बोलना चाहते हो एनीवे anyway, वे तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि नोट्स अपन किस तरीके से बताते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या आया क्या होता है ठीक है नोट्स का मतलब क्या हुआ वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे उनका जगह होता है इन चीजों को ध्यान रखने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया ये नहीं भी ध्यान रहे तो इस चीज को तो हमेशा ध्यान रखना चलेगा चलो ठीक है तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है <coughs> ओके ठीक है तो यहां तक तो कोई अपने को समस्या नहीं है नोट्स तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अपने पास नोट्स की कहानी यहाँ पे खत्म होती है अब इसके साथ क्या होता है ना कुछ ग्राफ्स बनते हैं नोट के जैसे साई के साथ साई स्क्वायर के साथ कुछ ग्राफ्स बनते हैं तो मैं वो ग्राफ आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ उस ग्राफ का स्क्रीन ले लो ठीक है थोड़ा सा उसमें जो समझने वाली चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या उसमें समझने वाला उस चीज को ध्यान रखना डायरेक्टली और उसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है मतलब अलग से कुछ एफर्ट देने का जरूरत नहीं है उतना आपके लिए मोर देन एन है ठीक है तो मैं एक ग्राफ शेयर कर दे रहा हूं आप उस ग्राफ को फटाफट देख लेना जस्ट मिनट एक मिनट गया यार ये पता नहीं है क्या ये समस्या है इसका चलो ठीक है एनीवे वे पता नहीं साथ कुछ टेक्निकल है यार ये खुल नहीं रहा है ग्राफ कुछ तो इश्यू दे रहा है ठीक है मैं ग्रुप में आपके डाल दूंगा ये फोटो, सारे ग्राफ्स का फोटो रखिएगा तो कुछ तो इशू हो रहा, नहीं, खुल रहा है <coughs> तो, तो डायरेक्टली आप ध्यान उसमें एक दो चीजें हैं जब मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा कि उस ग्राफ का मतलब क्या है थोड़ा सा उससे आपको क्या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है तो फिलहाल मैं उसको रहने देता हूँ कुछ टेक्निकल है इसलिए खुल नहीं रहा है वो चलो तो यहां तक हो गई अपने पास नोट्स की कहानी अब अपन आते हैं फिर से वापस एक टॉपिक ठीक है जिस टॉपिक को आधा छोड़ के चले गए थे ठीक है प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए प्रिंसिपल जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं सब सेल्स में और बिटल्स में उनको फिल करने के लिए प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रिंसिपल पे बात करते हैं तो हमने तीन इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था पहले भी ठीक है मैंने एक क्लास में बताया था आपको ठीक है ऑफबाउ प्रिंसिपल रूल और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ तीनों होते क्या क्या है और वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी भरिएगा तो लो एनर्जी टू तो हाई एनर्जी में भरिएगा मतलब पहले लो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरो फिर उससे ऊपर वाले फिर उसके ऊपर वाले फिर उसके ऊपर वाले एनर्जी कैसे निकालते किसी ऑर्बिटल और तो एन प्लस एल करके निकालते हैं एन की वैल्यू आपको पता है एल की वैल्यू पता है आप वहां से किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी सबसेल का आप एनर्जी निकाल सकते हो ठीक है हुंड रूल क्या बोलता है हुंड रूल कहता है कि बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल या ऐसे बोलते हैं कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा तो पहले एक एक फिल कीजिएगा फिर उनकी पेयरिंग कीजिएगा बराबर एनर्जी वाले जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें पहले एक एक को फिल कीजिएगा इलेक्ट्रॉन को और फिर जाके आप उनकी पेयरिंग स्टार्ट कीजिएगा ठीक है

कोई ऐसा जो बोलना चाहता सर पता नहीं तो जादू है सर इसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है लिखवाने की जरूरत नहीं है मैंने लास्ट मतलब एक क्लास में मैंने लिखवा दिया था ठीक है ठीक है हाँ तो तीन रूल अपने पास हो गए ऑफ बॉ होंड पॉली ठीक है अब इन तीनों पे हम बात करते हैं कि इन तीनों का यूज कैसे करेंगे ठीक है तो सबसे पहला चीज है कि ऑफबो सर कहते हैं कि अपने पास कभी भी इलेक्ट्रॉन आप फिल कीजिएगा तो लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट फिल कीजिएगा एक चीज यहां गौर करने वाली बात है वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इन इन जितने भी रूल्स हैं इनमें से जो सबसे पहला है ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वह ऑफबाउ प्रिंसिपल हाइड्रोजन के केस में अलग तरीके से लगता है थोड़ा ठीक है उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि हाइड्रोजन केस में थोड़ा अलग क्यों होता है और सारे में जो होता है वो एक तरीके से लगेगा बस हाइड्रोजन केस में थोड़ा अलग तरीके से वो लगता है ठीक है हाइड्रोजन के बाद जब आप प्रे... नीचे चले जाइएगा बिल्कुल मतलब सिक्स सेवन्थ पीरियड में बात कीजिएगा जैसे आपके पास प्लेटिनम वगैरह होगा ये जो ऑस्मियम वगैरह हो गए ये जो बहुत हेवी एलिमेंट्स हैं इनमें भी कहानी थोड़ी बदल जाती है थोड़ी सी बदलती है ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल बदल जाता है प्रिंसिपल वही रहता है थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं ठीक है तो मैं जो आपको ये जितने रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं ये रूल्स एप्लीकेबल तो हैं लेकिन सब जगह लगेंगे डायरेक्टली ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है कहीं पर हो सकता है कि थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस करके लगते हो रूल्स हो सकता है कि सीधा ही हो वैसे ही लगता हो बस बर... आपके लिए कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी आज तक जेई ने अगर फिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो कभी ऐसे केस नहीं दिए और दिए भी है तो रूल पे फिट केस दिए हैं चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे किसी का भी क्वेश्चन हो कभी उन लोगों ने एक्चुअल जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कभी आप आगे चल के पढ़िएगा डी ब्लॉक के फिलिंग या एफ ब्लॉक के फिलिंग तो आप कहिएगा यार मास्टर जी ने तो ऐसे बताया था यहाँ तो ऐसे हो ही नहीं रहा है ठीक है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ वहां पे थोड़े से ग्लिच है ठीक है चलो अब बात करते हैं कि अपन जब फिल करते हैं तो उसमें इसको कैसे कैसे इसको अप्लाई कैसे करना है ठीक है तो बोला गया कि लो एनर्जी स्टेट तो हाई एनर्जी स्टेट या लो एनर्जी ऑर्बिटल्स या टू हाई ऑर्बिटलर्जी सबसेल्स हमको फिल करना है ठीक है तो हमको एनर्जी के अकॉर्डिंग तो सिक्वेंस बनाने आता है एनर्जी के अकॉर्डिंग तो हम सिक्वेंस बना सकते हैं तो मैं फटाफट एनर्जी के एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंस लिख दे रहा हूं किसी को समस्या हो तो बोलना है कि सर समस्या है लेकिन उस सीक्वेंस को लिखने का अगर देखोगे तो याद करना थोड़ा टफ जॉब है डायरेक्टली याद करना थोड़ा टफ जॉब है तो मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ आप पहले भी ये देखे हो क्रॉस करके उन सीक्वेंस को बनाना ठीक है तो मैं एक सीक्वेंस बना दे रहा हूँ क्रॉस करके इसको ध्यान रखना आपको कभी भी डायरेक्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो ठीक है तो मैं मैं ऐसे देखो तो एक टेबल बना रहा हूं या आप पहले जूनियर क्लास में भी पढ़े होगे 7 5 क्या हो गया बोलो थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कीजिए अच्छा नहीं दिख रहा है 6 तक ही लिखा है नीचे नहीं है परेशान नहीं हो ठीक है ठीक है यहां तक में आपका एक्चुअल पीरियडिक टेबल का काम हो जाएगा जितने प्रेडिक्टेबल में आपको जितने एलिमेंट्स हैं उनका काम यहां तक में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा तो यहां पे सेवन एस और सेवन पी का जरूरत पड़ने वाला है इससे आपको जरूरत नॉर्मली नहीं आता है ठीक है इसको भी कंप्लीट कर लो सेवन 70... डी सकते ठीक है इतने में आपका पूरा पीरियडिक टेबल हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो G बेस्ड आए हैं ठीक है एडवांस के कुछ क्वेश्चन रहे हैं जिसमें G को भी इंक्लूड किया गया है तो मैं G के लिए अलग से यहाँ लिख तो दे रहा हूँ बट इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रखूंगा कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर लेना ठीक है ओके okay. अब बात करते हैं कि अपन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कैसे करेंगे सबसेल्स को ये सारे सबसेल्स हैं जितने आपको यूज आने वाले वो सारे हैं ठीक है ठीके? तो इनको अरेंज करने का तरीका है अरेंजिंग सबसेल्स बाय एनर्जी ठीक है तो इनको अरेंज करने का तरीका ऐसे है कि ये आपके पास सारे सबसे लागे आपको पता है कि वन में बस एस होता है टू में टू एस टू पी होता है थ्री, में थ्री एस, थ्री पी, थ्री होता है इस तरीके से फाइव में जी तक होता है तो इसको अरेंज कैसे करेंगे लोअर एनर्जी टू तो हायर एनर्जी तो इसको कट करना शुरू करो 45 डिग्री के एंगल पे और उनको बिल्कुल कंटिन्यूअस सीक्वेंस में लिख लो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी हो चुका है ठीक है तो देखो इस तरीके से अपन कट कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले जो कट किया बस वहीं से स्टार्ट कर लो कहानी सबसे पहले कौन कटा टू एस एस कटा फिर कौन टू एस फिर कौन कटा टू पी और फिर कौन कटा थ्री एस तो टू पी थ्री एस ठीक है उसके बाद कौन कटा तो थ्री पी और फोर एस तो थ्री पी फोर एस सॉरी इधर नहीं आ रहा है तो मैं इधर हटा दे रहा हूं यहाँ तक दिख रहा है ना थ्री पी तक दिख रहा है ठीक है थ्री पी थ्री पी के बाद कौन कटा है तो फोर एस फोर एस के बाद कौन कटा है थ्री डी थ्री डी के बाद कौन कटा है फोर पी फोर पी के बाद कौन कटा है फाइव एस ठीक है तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सबसेल्स को लिखने का सीक्वेंस है ठीक है अब इस सब इस चीज को अगर आपको ध्यान है तो आपको कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन का configuration, configuration लिखने में समस्या नहीं होगा और प्रेरिट टेबल में उसका लोकेशन भी फाइन करने में कोई समस्या नहीं होगा कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि कैसे बनाया और ये सिक्वेंस कैसे लिखा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी तुम चाहो तो चेक कर सकते हो वन एस वन एन प्लस एल एन वन एल जीरो कितना आ गया वन एन प्लस एल टू एन प्लस एल थ्री एन प्लस एल थ्री से अपन सीक्वेंस लिख लेते हैं सबसेल्स का लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी कोई ऐसा जो बोलना चाहता है सर इसमें समस्या है मेरे को तो पता नहीं है जादू सा लग रहा है क्वेश्चंस कैसे आते हैं चलेगा यहां तक कोई समस्या नहीं है अगर तुम चाहो तो इसको कंटिन्यूअसली जहां तक लिखना चाहो वहां तक तुम लिख सकते हो ठीक है कहां तक लिखा फाइव एस तक लिखा है ठीक है सर कोई मैक्सिमम होता है लिमिट एक जा बेटा हाँ बोलो कैसा मैक्सिमम लिमिट तुम बोलना चाहते हो देखो तुम्हारे पास प्रेडिक टेबल में समस्या क्या है तुम्हारे पास प्रेडिक टेबल जो है वो यहां तक में सेवन डी सेवन एफ तक अगर तुमने लिख लिया तो तुम्हारी खेल खत्म प्रेडिक डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनका इतने में तो खेल खत्म है इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल एग्जिस्टेंस ठीक है उनके लिए इतना काफी है लेकिन जब अपन बात करके अपने को पता है कि पीरियड के बाद कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप बोल सकते हो कि सर सेवन बनाने की जरूरत नहीं है ऐसी कहानी है अपने पास कि यहां तक का फाइव एफ सिक्स डी और सेवन पी यहां तक में आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा ये सेवन डी और सेवन एफ या सिक्स एफ जो है ये अपने बहुत ज्यादा किसी काम के नहीं है ठीक है यहां तक में आपका खेल खत्म हो जाता है लेकिन हाँ ये जो अपन बात कर रहे थे अभी खेल खत्म होने वाला वो प्रैक्टिकल बात था कि जो एक्चुअल में आपके क्रेडिट टेबल में होता है जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है लेकिन जब बात करते हैं थियोरी की जब बात करते हैं क्वेश्चंस आने की तो वहां पे किसी भी लेवल पे जाकर क्वेश्चन दिया जा सकता है ऐसा नहीं है कि आपको बोले या कि एटॉमिक नंबर 119 है उसी के लिए बताओ हो सकता है बोल दे कि 250 के लिए बताओ कि वो कहा एग्जिस्ट करेगा कुछ भी दे सकता है वो तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस बनाते कैसे हैं और ये कैसे एंड होता है मतलब जी भी आ सकता है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दैट इज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सेवन एस पे खेल खत्म है मतलब सेवन तक ये खेल खत्म है सेवन पी तक ये खेल खत्म है सेवन पी के बाद आपको कुछ आने वाला नहीं है चलेगा जी के, जी के बाद क्या आता है पी के बाद जी 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 देखो जी के बाद के आगे का को कोई कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है कि जी के आगे के कोई सबसे जिनका कोई खास ऐसा नाम होगा ठीक है जी तक का ही नॉर्मली डिस्कशन आते हैं जी से आगे का तो अभी तक एडवांस ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं दिया जी तक लिमिट है जी के आगे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं ठीक है ये आपके पास थियरटिकल कहानी है प्रैक्टिकल कहानी आपको बता दिया जी में भी बहुत पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे वो भी अगर देता है तो वहां मेंशन करके देता है ये क्वेश्चन में कि आप

इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताइए कि आप इन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल कीजिएगा ठीक है तो मान लो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एटॉमिक नंबर ले लिया हम लोगों ने ट्वेंटी वन एटॉमिक नंबर ले लिया ट्वेंटी वन ठीक है ओके okay. और बोला कि भैया इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताएगा आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल कीजिएगा ठीक है तो अपने को कुछ कुछ चीजें पता है पहले तो ये सीक्वेंस पता है और दूसरी चीज ये पता है कि किसी भी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये सब कुछ अपने को पता है तो अपन वहां पर सिक्वेंस लगाना शुरू करते हैं अपने को पता है सबसे पहले कौन है वन और वन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सर दो आएंगे तो वन एस क्योंकि एस में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो आ सकते हैं वन 2s2 उसके बाद कौन आता है 2p आता है तो अपने पास क्या हो गया 2p 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 तो, तो अपने पास कौन आ गया टू पी उसके बाद कौन आ गया 3s 3s में कितना आएगा दो तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी हो चुके दो दो चार चार आठ आठ छ चौदह चौदह इलेक्ट्रॉन हो चुके अपने को 21 भरना है थ्री एस उसके बाद कौन आ गया थ्री पी कितने हो गए टोटल बारह बारह छ अठारह ठीक है उसके बाद कौन आ गया 4s2 यहां तक हो चुके अपने पास बीस इलेक्ट्रॉन बीस इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने भर दिया उसके बाद आता है इक्कीसवा इलेक्ट्रॉन की कि किसवा इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरें तो हम लोगों ने बोल दिया फोरेस्ट टू फोरेस्ट टू के बाद बोल दिया थ्री डी वन तो ये तो अपने पास कहानी हो कि भैया लास्ट जो सेल था उसमें लिखना था लेकिन जब अपने कैसे भरते तो देखो ऑर्बिटल्स बना बना के कैसे भरना होता है वो सिक्वेंस भी एक बार मैं समझा देता हूँ इसको कैसे भरेंगे ठीक है कोई एक छोटा एटॉमिक नंबर ले लेते हैं उसके लिए बात करते हैं मान लो मेरे पास एटॉमिक नंबर आ गया है एट ले लिया ऑक्सीजन को ले लिया ठीक है तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर एट है तो उसके लिए अपन कैसे भरेंगे अबे क्या हाँ ऑक्सीजन के लिए कैसे भरेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन अपने पास तो आठ इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है वन एस वन एस फिर कौन आता है टू फिर कौन आता है

अब इसके बराबर के एनर्जी का कोई नहीं है इस वाले और बिटल के बराबर का कोई एनर्जी कोई नहीं है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमने डायरेक्टली पुट कर लिया ठीक है अब यहाँ पे साथ साथ मेरे पास एक और भी एप्लीकेबल हो चुका है दैट इज क्या बोलता है कि कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम नंबर का सेट चेक करोगे चारों तो अलग आएगा कैसे आएगा इन दोनों के लिए अगर तुम देखोगे तो एन होगा एल दोनों के लिए देखोगे तो जीरो होगा

फिर उसका पांचवा का जो छठा वो इसमें नहीं डालेंगे यहां डालेंगे और फिर सातवां जो है यहां डालेंगे क्या कहता है अपने पास रूल हु रूल कहता है कि बराबर एनर्जी वाले में आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है ये तीनों ही बराबर एनर्जी वाले हैं कैसे पता बराबर एनर्जी वाले हैं तीनों ही टूपी है एक टूपी एक्स है एक टूपी वाई है एक टूपी जेड है अगर नहीं ध्यान है तो मैं लिख दे रहा हूँ तीनों का है एनर्जी क्या होगा हो गया टूपी टूपी के अकॉर्डिंग एन मतलब एनर्जी वाले हैं तो एक, एक एक डाला खेल खत्म हो गया उसके बाद हम इसका पेयरिंग करेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन थे तो चार और तीन सात हो चुका है आठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले तो तीनों में से कोई एक जगह जो है वहां पे पेयरिंग आप करा सकते हो तो मैंने यही पहले वाले में करा दिया थोड़ा सुंदर सा दिखा और इसको मैंने उल्टा करके रख दिया तो अपने पास हो चुके हैं आठ इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने को भरने हैं ऑक्सीजन के तो हमने आठ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर लिए इसमें किसी को समस्या तो फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया समझ में नहीं आया हाँ जी चलो इसमें कुछ बोलो वन एस टू टू एस टू टू टी सिक्स थ्री एस टू वो बता दीजिए फिर से बोलो सर वो सर वो बोर्ड पे है ना वन एस टू टू एस टू टू पी ये सर लेफ्ट में हाँ सर वो एक बार बता दीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम दो में कितने दो तो दो पी में इसको उसी फॉर्म में लिख के बताया देखो वन एस वन एस में कितने भरे दो तो यहाँ लिख लिया टू टू एस कितने भरे दो तो यहाँ लिख लिया टू टूपी में कितने भरे हो तो कितने भरे हैं चार दो और दो चार तो यहाँ लिख लिया टूपी फोर हो गया तो ये एक छोटा तरीका हो गया लिखने का वन एस टू टू एस टू और अगर ऐसे लिखा तो थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया चलेगा चलेगा किसका था क्वेश्चन शिवम चलेगा आदर्श चलो ठीक है आदर्श ओके okay. डन है यहां तक किसी को कोई समस्या है किसी को समझ में नहीं आया जादू वादू हो गया है? चलो ठीक है तो अपन आगे आते हैं नेक्स्ट ओके okay. इस सीक्वेंस को मैं मिटा रहा हूं और एक एग्जाम्पल तुम खुद से ट्राई कर लो अपन पेन अपने में क्या है? कैसे पहचानते ना चलो एटॉमिक नंबर ग्यारह के लिए पुट कर लो सो, सोडियम के लिए सोडियम के लिए फटाफट बेटा ऐसा वाला टेबल बना लो ऐसा वाला टेबल बनाना सोडियम के लिए ठीक है ऐसा वाला टेबल बनाओ और क्वेश्चन ये है कि बताओ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है तो हम अगर तुमसे पूछता कि बताइए ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो कितने होते हैं दो होते हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन तो सोडियम का कंफिग्रेशन लिखिए इस डब्बे के फॉर्म में और मुझे फटाफट बताइए कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन ये कितने हो जाएंगे अपने पास? सॉरी, दो हो जाएंगे ठीक है? तो ध्यान रखिएगा सोडियम के लिए बनाइए डब्बा और मुझे फटाफट बताइए कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलिए ऐसे सीक्वेंस बनाइए और फिल करके बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कीजिए जिसका इसका जो भी आंसर है मैसेज करो चलेगा चलो ठीक है तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं इसको देखो फटाफट किसी को समस्या है, तो मुझे फटाफट बोल देना समस्या है वन एस टू एस टू पी थ्री एस ठीक है हो गया तो अपने पास ये आ गया वन एस वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन तो अपने एक मिल रहा है ठीक है इतने में किसी को समस्या है तो तो फटाफट सर ये तो समझ में नहीं आया कैसे भरा कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इसमें समस्या था चलो नहीं इसमें तो कोई समस्या नहीं है ठीक है तो आप इस चीज अब तो अपने को यह चीज समझ में आ गया कि अपन भरते कैसे ठीक है अब इस कंसिग्रेशन को बहुत बार ऐसा होता है ना आपको बचपन में सिखाया गया था के एल तो बहुत बार बोलेगा कि एसपीडीएफ को के एल एन में कन्वर्ट कर दो ठीक है तो देखो spdf को kel mn में कन्वर्ट करना सबसे आसान काम है ठीक है करना बस इतना सा है ये जो 1 दिख रहा है जिस जिस के आगे 1 है यहाँ तो किसी के आगे 1 नहीं है बस यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब हुआ k सब सेल 2 का मतलब हुआ l सब सेल 3 का मतलब हुआ m सब सेल 4 का मतलब आगे सिमिलरली ये कंटिन्यू हो जाएगा ठीक है तो मतलब ये है कि आप चेक कर लो कि वन वाले में कितने हैं टू वाले में कितने हैं थ्री वाले में कितने हैं और सबको ऐड करके लिख लो आपको के एल एम एन कंफिगरेशन भी आ जाएगा तो अगर मैं यहाँ के एल एम एन बात करूं तो वन वाला कितना है सिर्फ एक ही दिख रहा है अपने को सबसेल वन एस है और में कितने इलेक्ट्रॉन है दो तो के वाले में कितना हो गया दो एल वाले में कितना होगा तो एल वाला कौन कौन सा अपने को टू एल का मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया टू सेकेंड सबसेल के बारे में बात हो रहा है टू वाला कौन है ये है और ये है कितने इलेक्ट्रॉन है छह यहाँ और दो यहाँ तो कितना हो गया आठ हो गया तीन वाले में कितना होगा तो तीन वाला कौन है सिर्फ ये है तो तीन वाले में कितना हो गया अपने पास एक हो गया तो सोडियम का कंफिगुरेशन अपने बचपन में लिखा करते थे टू एट वन तो ये तरीका है आपको कंफिगुरेशन कन्वर्ट करने का बोलो ठीक है तो ये तरीका है आपको कंफिगुरेशन कन्वर्ट करने का फ्रॉम एसपीडीएफ टू के तो ठीक है

ठीक है का नाम ही बोलते हैं कि चार तक ही तो, तो, है। तो, तो है। वैलिड नहीं होता है जब आपको सिखाया गया था तो ठीक है कि ट्वेंटी के बाद वाला जब रूल लगाने जाओ तो आपको बहुत लगा सकते हो ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते लगा सकते हो लेकिन उसको फिल करना मुश्किल काम है उसके बाद आपको बहुत अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं ठीक है क्या एग्जाम में आता है में अरे तो नहीं आएगा भाई मेरे कभी नहीं आएगा के केलेन के बाद नहीं आएगा आपको ऐसा एम एन ओ पी क्यू नहीं आता है ओपी क्यू के बारे में कोई प्रैक्टिकली डिस्कशन नहीं है ठीक है तो परेशान नहीं होना बस बोलने को कोई बोल दिया अच्छा मारो मेरा मन करे बोलूंगा कि मैं कि मैं पांचवा जो सिलेबस उसका नाम है वो तो नाम ही तो है मैं वो तो बोल सकता हूँ ना वो मेरा नाम मैं मेरा मन करे कि मैं नाम उसका बोल दू बट एक्चुअल में जो डिफाइंड है वो चार तक के डिफाइंड है एक्चुअल में सबसे डिफाइंड है वो चार ही डिफाइंड है एसपीडी और एफ अब कोई बोलेगा जी कोई बोलेगा एच एच भी होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है होता है 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 डिफाइंड डिफाइंड लेकिन नहीं नहीं जी भी डिफाइंड नहीं है, बस बताने के लिए बोल देते हैं ठीक है चलो करो इसको फटाफट ट्वेंटी बताओ के एल एम एन में कैसा होगा जिसने भरा है वो गलत भरा है बेटा यही समस्या थी ट्वेंटी के बाद के एल यूज करने की अंजन एक बार फिर से चेक करो जो मैंने बोला है उस तरीके से भरो चलो देखो 21 के लिए के लिए कैसे भरना होगा तो पहले पहले भरो SPDF. मैं अकॉर्डिंग लिख रहा हूं पहले. 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, 3D1. किसी को इसमें समस्या तो फटाफट फड़ बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया ट्वेंटी वन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है आपने कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर ये खोपड़े में नहीं गया अभी जस्ट हो तो अब बात हो जाएगी क्या तेज़ तेज़ बोल राइटिंग, नहीं राइटिंग नहीं समझा रहा राइटिंग नहीं समझा रहा अभी तो थोड़े देर तो पहले लिखा था क्या चाहता है तू मतलब मैं ले भाई समस्या है अब ठीक है खुश चलो अब बात करते हैं अपन कि भैया ये कंफ्यूगेशन तो लिख लिया अब इसको के इलेमेन में कैसे कन्वर्ट करें तो के का मतलब हुआ वन वन वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है तो वन वाला सबसे सिर्फ और सिर्फ एक ही है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो दो लिख लिया ठीक है एल में कितना आ रहा है तो एल का मतलब हुआ सेकेंड सबसेल सेकंड सबसेल में कितना है दो वाला ये है और ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है दो यहाँ छह यहाँ तो कितना हो गया आठ हो गया तीन वाला कितना है तो देखो तीन वाले को चेक करो कितना है तीन वाला देखो चेक करो कितना है तो तीन वाला एक ये थी? है एक ये है और एक ये भी है भैया तीन वाला तीन वाला सबसे ये ये और ये भी है तो तीनों में काउंट करो दो छ तो टोटल कितने हो गए नौ हो गए ठीक है छ दो आठ और एक नौ और चौथे वाले में कितना हो गया दो हो गया तो आप अगर के एल के अकॉर्डिंग भरना चाहिएगा इसको तो ये भरेगा टू एट नाइन टू ठीक है तो आपको बचपन में सिखाया गया था कि के जब भरना होता है तो पहले आठ भरते हैं आठ के बाद आगे में दो भरते हैं फिर पीछे आकर उसको कंप्लीट करते हैं तो ये वही कहानी है के की ठीक है तो के से आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो एसपीडीएफ से चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो चलेगा डन है कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या गई सर ये तो जादू हो गया जादू हो गया के का मतलब हुआ फर्स्ट सब पहला सेल

थर्ड सेल के पार्ट है एस पी और डी तो एस में दो पी में छी में एक तो टोटल थर्ड में कितना भरा है तो और छो आठ और एक नौ तो नौ हो गया और फिर अपने पास एस में फोर्थ वाले में कितना भरा है दो फोर्थ एस टू तो यहाँ पे टू हो गया तो इस तरीके से आपकी कहानी हो चुकी है के एल के अकॉर्डिंग इसके ठीक है चलो के एल एम अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ 26 का लिखो पहले एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग 26 का एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग लिखो और फिर के एल में कन्वर्ट करो करो गुरु मंत्र कुछ नहीं है बेटा कल के टेस्ट के लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं आने वाला है बिल्कुल आसान आसान से सा क्वेश्चन आएंगे ठीक है कल टेस्ट है कल टेस्ट है ना तुम लोग आ चैप्टर बहुत घिस गया यार इसको खत्म करना है बहुत लंबा चला गया अनएक्सपेक्टेडली इतना लंबा चला गया चलो एनीवे करो 26 के लिए फटाफट ट्वेंटी सिक्स के लिए बेटा टू एट वन फोर कैसे आएगा कैसे आ जाएगा कैसे आएगा 2814 भाई मेरे किस कौन से लॉजिक लगा के भर रहा है 26 29182 शिवानी कैसे भरा बेटा सेकंड का तो मैक्सिमम क्या 9 हो सकता है कभी मैं कैसे बोल रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ यार 3D 3D में क्या सर उसके बाद का क्या होगा भाई 3D के बाद तुमको जरूरत कहाँ पड़ने वाला है 26 में मुझे इतना बता दो बस

सर क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स का था ना ट्वेंटी सिक्स का था थ्री डी सिक्स हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है दीक्षा ठीक है आपका बेटा उसको एसपीडीएफ में कन्वर्ट उसको के एलेवन में कन्वर्ट करके बताओ मुझे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे में कितने तीसरे में कितने चौथे में कितने अच्छा कभी के एलेवन ट्वेंटी से ऊपर के लिए भरे हो ईमानदारी से बताना कोई ऐसा जिसने 20 से ऊपर का जिसको केले में भरने आता है बिना एसपीডিএফ का यूज किए हुए सर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सर तो भाई केले में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो क्या होता है मेरे को ये बता दे आदर्श कैसे भर रहे हो आउटर मोस्ट में सात कैसे आ जाएगा भाई मेरे पहले एसपीडीएफ भरो यार छोड़ो 26 का एसपीडीएफ भरो पहले सब नालायक हो पर भरो 26 का एसपीडीएफ पहले फिर बात करना केलेमन का कभी-कभी तो मेरे को समझ में ही नहीं आता <laughs> पूछते हो कि सर जी के बाद का बताइए सबसे कौन सा होगा ठीक है <laughs> और बोलता हूं केलेमन भरने के लिए तो सर केले में 26 का सर या एसपीडीएफ का 26 का सर भरने में तो गलती हो रही है हमसे क्या चाहते हो हां <laughs> बोलो ओके, okay, सिद्धांत गलत है बेटा। okay, किसका? बेटा ओके, किसका? दीक्षा टू एट फोर्टीन डाले क्या बेटा हाँ टू एट फोर्टीन टू चलो ठीक है ये सही है, है? हाँ टू एट फोर्टीन टू इज राइट आंसर किसने दिया आकाश हाँ अब सही है 2814, अब सही आंसर दे रहे हो देखो ट्वेंटी सिक्स का वन 2s2 टू टू 3p6 टू टू पी सिक्स थ्री टू थ्री पी सिक्स फोर टू थ्री डी सिक्स हो गया छब्बीस काउंट करके देखो दो दो चार छ दस दस बीस छब्बीस ठीक है अब भरना स्टार्ट है, करते हैं के फॉर्म में इसको लिखना स्टार्ट है, करते हैं वन वाला कितना है एक ही है वन एस सबसे ले और सबसे इलेक्ट्रॉन है दो है तो दो हो गया टू वाला कितना है तो ये भी है ये भी है ये दोनों टू वाले है, कितने हैं कितने इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में आठ तो आठ हो गया छे प्लस दो आठ तीन वाला कौन कौन तो ये ये और ये ये देखो ये तीनों है थ्री एस थ्री पी और थ्री डी तीनों को जोड़ो तो दो छे तो छ दो आठ आठ छ चौदह तो चौदह हो गया और फोर वाला कितना है सिर्फ एक है एस फोर एस टू तो ये हो गया टू तो टू एट फोर्टी नाइन टू बोलो भैया किसको किसको जादू हो गया ये फटाफट -फड़ बताओ कि सर ये तो जादू हो गया खोपड़े में नहीं गया मेरे आकाश ने सही भरा था एक और एग्जाम्पल हाँ जी भैया दे रहे हैं एक और एग्जाम्पल प्रेडिक्टेबल है तुम्हारे पास अगर नहीं है तो नेट में सर्च कर लो मैं तुम्हें पोजीशन बताना सिखाने वाला हूँ कि पोजीशन कैसे पकड़ते हैं किसी एलिमेंट का ठीक है अब भी हाँ अब भी बताने वाला हूँ अब भी ठीक है चलो ओके खोल लेना अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं उसके बाद खोल लेना फोन में ठीक है एक और एग्जाम्पल बोला तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलो एक बड़ा एलिमेंट लेते हैं ठीक है एक बड़ा एलिमेंट मैं देता हूं आयोडीन ठीक है आयोडीन का भरो चलो 53 थ्री एटोमिक नंबर फिफ्टी स्टार्ट हो जाओ स्टार्ट हो जाओ करो आराम से करो कोई जल्दी नहीं आराम से करो एकदम करो भरोपीडीएफ हाँ दीक्षा सही बेटा 53 का पहले एसपीडीएफ आराम से भरो 53 के लिए कोई समस्या नहीं होगा एसपीडीएफ आता है एसपीडीएफ सीक्वेंस पीछे से चेक कर लेना वन एच टू टू एस टू इसका सीक्वेंस पीछे से चेक कर लेना ठीक है भरो आराम से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि इस तरह समझ में नहीं आ रहा है जादू हो रहा है तो पूछ लो अभी मैं अभी बता दूंगा कैसे भर रहे हैं एसपीडीएफ पहले भरो बर्लिया हुआ थ्री डी इसका सॉरी थ्री डी बोला हूँ फिफ्टी थ्री का है। आज भर लोगे हाँ बेटा उम्मीद करूं आज 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 हो जाएगा बेटा चलो ठीक है मैं भरता हूँ भर लिया है ना सबने सब जनता साफ है खेल खत्म है सब सब आराम से सु, आराम से सो हुए सर छोड़ो ना सर का तो काम ही भर अच्छा भर रहे हो गुड अब अच्छा लगा आकाश बोला सर रुक जाओ कर रहे हैं हॉले हॉले ठीक है चलो मेरे को लगा के सो गए सर छोड़ो ना मास्टर जी तो भरेंगे ही यहाँ हो सकता देख लीजिए एक बार बोलो आंसर सेंड कर दिया सिद्धांत भेजा है ओके दो आठ अठारह अठारह पांच सही लगता है यार छत्तीस तिरपन आ रहा है ठीक है? है सही लग रहा है नहीं 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 गड़बड़ है बेटा एक बार चेक करो तो फिर से मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है तुमने सिद्धांत कुछ गड़बड़ है बेटा एक बार चेक करो लग रहा है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही पूरा कहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है छत्तीस दस छियालीस गड़बड़ है बेटा फिर से चेक करो थोड़ा सा गड़बड़ किया है मेरे को लगता है ऐसा सबसे लास्ट वाला चेक करो एस में जो सबसे लास्ट वाला जो लिखा है ना सिद्धांत जो टू एट एटीन एटीन उसके बाद जो लिखा है हाँ गुड अब सही है हम्म ठीक है अक्षय नहीं आकाश दो आठ अठारह नहीं बेटा आप गड़बड़ है चेक करो आकाश फिर से आप कुछ गड़बड़ किया है आपने चलो ठीक है मैं लिखता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक है वन एच टू टू एच टू टू पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी सिक्स फोर एच टू थ्री डी टेन दिख रहा है ना यहाँ पे हाँ थ्री डी टेन ठीक है इसके बाद फोर पी सिक्स फाइव एच टू थ्री डी फाइव एच टू तक दिख रहा है हाँ ठीक है फाइव एच टू उसके बाद हो गया फोर डी टेन एंड फाइव पी फाइव देखो तो सम आ रहा है क्या सबको सम करो तो देखो तो फिफ्टी थ्री आ रहा है एक बार करके कर कर देख लो सही आ रहा है देखो देख लो एक बार ये कंफिगरेशन देख लो वन एच टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर टू थ्री डी टेन फोर पी सिक्स फाइव टू फोर डी टेन फाइव पी फाइव इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट फ़ड़ बताओ कि सर जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है जी अंजन बेटा गड़बड़ किया है आपने कुछ पहले ये देखो मैंने एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखा है इसमें पहले चेक करो बेटा आपने ऐसे लिखा है या कुछ अलग लिखा है कुछ अलग लिखा है तो गड़बड़ है आप इसी सीक्वेंस को एक बार ऐसे लिखा है ठीक है जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया है बेटा एक बार चेक कर लो आप ऐसे ही लिखा है ना आप सबने ठीक है चलो अब अपन कन्वर्ट करते हैं इसको के इलेवन के फॉर्म में ठीक है के का का मतलब हुआ कि सारे सबसे इलेक्ट्रॉन तो दूसरे में कितने तीसरे में, कितने, में कितने। अपना काम यही है कितने फोर्थ में कितने ठीक है फर्स्ट वाला अपने सिर्फ वन एस है दो इलेक्ट्रॉन देखो टू वाला कौन कौन है ये दोनों है टू एस और टू पी और कोई टू वाला दिख नहीं रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉन थ्री वाला अपने पास कितना थ्री वाला ध्यान देना ये भी है ये भी है और ये भी है तो दो आठ और दस अठारह तो थर्ड में कितने हो गए अठारह इलेक्ट्रॉन ठीक है फोर्थ वाले में आते हैं फोर्थ वाला कौन कौन है देखो ये है ये है और ये है फोर्थ वाला ठीक है तो कितने इलेक्ट्रॉन दो और दस तो फोर्थ में भी कितना हो गया अठारह फिफ्थ वाला कौन कौन है तो ये है और ये है कितने हो गए पांच और दो सात तो सात इलेक्ट्रॉन तो अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट में दो सेकेंड में आठ थर्ड में अठारह चौथे में अठारह पांचवे में सात इलेक्ट्रॉन चलेगा कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या सर ये तो जादू हो गया है हाँ शिवानी बेटा ठीक है आपका सही था देख लो एक बार जिन लोगों ने गड़बड़ किया था एक बार ये सीक्वेंस चेक कर लोगे सर कोई समस्या तो फटाफट -फड़ बताओ कोई समस्या है किसी को अब यहाँ पे आपको कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं यार एक्स्ट्रा वाली कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे इसमें इतने से ज्यादा नहीं भर सकते वो कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं सारा ऑटोमेटिक फिट आता है पहले में दो मैक्सिमम होता है दूसरे में आठ मैक्सिमम होता है तीसरे में अठारह मैक्सिमम होता है चौथे में तो ये तो अट्ठारह ही है मैक्सिमम तो भरा ही नहीं तो जब आप केले में इनको आप अलग तरीके से पढ़िएगा बिना एस का यूज किए तो भी आपको याद होगा जो लोग भरने जानते हैं तो उनको पता है कि भैया यहाँ पे इस तरीके से ये

ये कहा लिखा था आपको पढ़ाते हुए दस रोटी खा सकता हूं मान लो नहीं ठीक है, है हो भी सकता पता नहीं ठीक है तो मैं खाने की मान लो कैपेसिटी दस रोटी खा सकता हूं लेकिन खाता थोड़ी हूं खाता तो चार ही हूं ठीक है तो डिपेंड ऑन द केस हाँ बहुत कुछ फेवरेट हो गया तो खा लिया चार पांच खा लिया तो बात वही चीज है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है वो आपका एक अपर लिमिट बताता है उससे कभी भी होगा तो कम होगा या मैक्स टू मैक्स उतना होगा उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो ये जो कैपेसिटी कहीं बताता है कि दो आठ अठारह बत्तीस जो भी बताता है कि वो अपने कैपेसिटी वो बताता है ठीक है चलेगा yes. सर एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आप पढ़िएगा ठीक है पूछ लिया तो एट हो सकते हैं ठीक है थीके? किसी एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं अभी तक में वो आप मैक्सिमम केस एट का देखेगा हाँ। के चलेगा चलो ओके जब आपके पास वो भी बताता हूं कब जब एस जब एफ में सात होता है और एस में एक होता है तब होता है अपने पास टोटल आठ इलेक्ट्रॉनपेयर ठीक है चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी में आप एलिमेंट का लोकेशन कैसे आ चुका है पहले पीरियडिक टेबल का फॉर्मेट देख लो पीरियडिक टेबल का फॉर्मेट आपको पता है कि भैया पहले दो होते हैं ठीक है जिसमें एक ऊपर में ऐसे हाइड्रोजन बना हुआ होता है उसके बाद इधर आओगे तो दिखेगा कि ये बड़ा सा यहाँ पे दस होते हैं और फिर लास्ट में ये छे होते हैं जिसमें एक लास्ट में हेलियम ऐसे बैठा होता है तो ये छह ग्रुप ऐसे होते हैं ठीक है छह ऐसे दो ऐसे और बीच में ये दस होते हैं ठीक है और नीचे में दो होता है ओके ये एक फॉर्मेट है प्रेडिक का जो मैंने देखो राइट साइड में मैंने बनाया ये प्रेडिक का एक फॉर्मेट है ठीक है आप अपने आ, फोन में आप अपने फोन में ये एक बार खोल लो प्रेडिक्टेबल तो आपको उसमें दिख जाएगा ये फॉर्मेट ठीक है उसमें ग्रुप लिखा होता है एक से लेके ये तक ये ग्रुप लिखा होगा और पीरियड एक से लेके सात तक लिखा होता है ठीक है पीरियड ठीक है और ये दोनों जो होगा ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होगा ये एक फॉर्मेट है पीरियड टेबल का ठीक है अब अपन बात करते हैं देखो अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो नोटिस करने वाली है खोल लिया सबने प्रेडिक्ट टेबल ठीक है चलो देखो आपको बचपन में एक चीज सिखाया गया था कि पहले वाले जो दो हैं पहला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप इसको एस ब्लॉक बोलते हैं बीच के जो है मैं इधर थोड़ा सा जगह ले ले रहा हूं पहले के जो दो हैं उसको बोलते हैं एस ब्लॉक बीच वाला जो बड़ा सा है स्पेस उसको बोलते हैं डी ब्लॉक जहां पे आपको यहां से थर्ड से लेके आगे तक आ चुका है यहां तक और फिर जो लास्ट के जो छह हैं उसको बोलते हैं एफ पी ब्लॉक और जो नीचे के जो दो हैं उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक ये सबको पता है कोई ऐसा है जिसको नहीं पता ये चीज ब्लॉक वाली चीज बता तो बेटा जिसको नहीं पता वो रुक जा। जिसको नहीं पता मेरे को बोल दो सर नहीं पता है ठीक है तो पहले वाला जो दो नो ग्रुप है देखो ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं बल्कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो हुआ पहला और जो दूसरा हुआ इसको बोलते हैं एस ब्लॉक ठीक है तीसरे से लेके तीसरे से लेके बारहवा तक ये होता है डी ब्लॉक तेरह से लेके अठारह तक होता है पी ब्लॉक और नीचे जो होते हैं और ये ये होता है एफ ब्लॉक मैंने लिख दिया है ग्रुप वाइज ऐसे वाला कहलाता है ग्रुप ऐसा वाला कहलाता है पीरियड ठीक है चलो अब इसमें क्या क्या नोटिस करने वाला है देखो एस ब्लॉक में दो ग्रुप है डी ब्लॉक में देखो दस ग्रुप है तीन से लेके बारह तक तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दस ग्रुप है पी में छे ग्रुप है तेरह से लेकर अठारह तक था। और अपने पास एफ में तो छोड़ F की बात नहीं कर रहा मैं फिलहाल, ठीक है चलो, अगर इनको ध्यान से देखो उनको याद करो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दो मैक्सिमम पी में कितने भरे जाते हैं छे मैक्सिमम डी में कितने भरे जाते हैं दस मैक्सिमम मतलब एस में दो ग्रुप डी में दस ग्रुप P में छे ग्रुप रिलेशन समझ में आया कि किसी भी सबसे में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उतने ही उसके क्या होता है ग्रुप होता है ये क्लियर है क्लियर yes, कोई ऐसा है मुझे मैसेज करके बोलो बोलो नहीं मैसेज करो बोलो नहीं आवाज नहीं दो ठीक है तो अपने को ये चीज तो क्लियर है कि एस में दो ग्रुप पी में अपने पास कितने ग्रुप हो गए तो छ ग्रुप डी में अपने पास कितने हो गए तो दस ग्रुप ठीक है अब चलो इसका रिलेशन क्या है इस चीज को ध्यान रखना जो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया है डी एस पी डी और एफ का जो रिलेशन बताया उसको ध्यान रखो ठीक है अब मान लो मुझे कोई कोई एटम एटम दे दे भी दिया बोला कि बताइए उसको आप कैसे फिल कीजिएगा उसका पोजिशन आप कैसे बताइएगा किसी भी प्रेडिक्ट टेबल में ठीक है मुझे दे दिया सोडियम कन्फिगेशन मुझे पता है क्या लिखता हूं कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1

ये क्लियर यहां से हो चुका है किसी को इसमें समस्या तो फटाफट -फड़ बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया कि वो थर्ड पीरियड में कैसे मिला क्लियर है सबसे बड़ा प्रीफिक्स चेक करो आयोडीन में सबसे बड़ा प्रीफिक्स कितना था पांच ठीक है तो सिंपल सी कहानी है कि सबसे बड़ा प्रीफिक्स चेक करो आपका खेल हो जाएगा वहीं पे समझ में आएगा कि आपको कौन सा पीरियड होने वाला है यहाँ पे कौन से पीरियड में आने वाला है चलेगा

ये जो सोडियम होगा ये सोडियम अपने को एक चीज क्लियर हो चुका कि थर्ड पीरियड में होगा और चूंकि ये एस आ रहा है सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वह एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा दो चीज क्लियर है थर्ड पीरियड और एस ब्लॉक ये दो चीज हमको पता चल चुका है इतने में किसी को समस्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन से चेक करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरा था तो एस में भरा था मतलब उसका ब्लॉक कौन सा होगा एस ब्लॉक होगा अच्छा एस ब्लॉक के ग्रुप कौन कौन से हैं फर्स्ट और सेकंड दो ही ग्रुप ग्रुप है है एस ब्लॉक में और कोई नहीं है. मतलब थर्ड जो थर्ड पीरियड है उसका या तो पहला वाला फर्स्ट ग्रुप में सोडियम होगा या सेकेंड ग्रुप में सोडियम होगा यहां तक किसी को समस्या आए तो बताओ कि सर समझ में नहीं आया डन है नेक्स्ट थिंग लास्ट थिंग खेल खत्म

आयोडीन पे बात करते हैं आयोडीन सबसे बेस्ट है आयोडीन पे बात करते हैं ठीक है आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि क्या आया था तो आयोडीन का सबसे बड़ा जो प्रीफिक्स आपने यूज किया था वो फाइव यूज किया था याद है आयोडीन का सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो यूज किया था वो फाइव यूज किया था तो अपने पास जो पीरियड आएगा जो ऐसे होर्जोनटल जो कॉलम आने वाला है वो पांचवा आने वाला है प्रेरिकेबल निकालो निकाल के देखो मैंने बार बार बोल बोला हूँ प्रेटल निकाल के देखो पांचवा पीरियड आएगा ये क्लियर है सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा डाला था मुझे सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बताओ सबसे लास्ट वाला अगर किसी को याद होगा तो वो 5p5 था सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आयोडीन का था बोलो भाई हां ना नहीं बोलना है सो जादू हो गया पता हाँ। नहीं हां सदमे में आ गए सारे के सारे चलो ठीक है तो वो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो था वो 5p5 था जो आपने 5 जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा था ठीक है तो पीरियड आपको पता है आप ग्रुप पता करना है इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में डाला है पी ब्लॉक में डाला है पी वाला पी ब्लॉक कौन सा है सबसे अंतिम वाला है ये ठीक है अब पी ब्लॉक में भरना शुरू करते हैं तेरह पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है तेरह से तो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो इसका मतलब क्या हुआ ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका सत्रह तो ग्रुप हो गया इसका सत्रह पीरियड हो गया इसका पांच खेल खत्म हो गया चलेगा ठीक है इसी तरीके से हाँ बोलो चैट चैट, क्या चैट पढ़ लीजिए, क्या हो गया भाई चैट में क्या समस्या है? है चलेगा ओके फाइन तो ये तरीका है आपको पता करने का चलो कैल्सियम है कैल्सियम का देख लेते हैं उसके साथ आज की सभा समाप्त कर देते हैं नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं ठीक है जिसको यूरेनियम जाना है लु, लुटेशियम जाना है ये सब जानना है वो फुर्सत में मेरे साथ बैठो नहीं बता रहा मैं एफ पे बात ही नहीं कर रहा अभी जिसको एफ पे बात करना वो आराम से बैठना मेरे साथ अभी नहीं बता रहा इसमें तो बिल्कुल नहीं बता रहा मैं ठीक है चलो अपन बात कर लेते हैं आ, कोई भी एक उठा लिया जैसे कैल्सियम उठा ले भाई आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर बोल एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फटाफट इसको कर लेते हैं कितना होता है एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया ट्वेंटी सिक्स स्टार्ट हो जाओ तो आयरन को जब भरोगे तो स्टार्ट करोगे जो सबसे लास्ट वाला भरते हो वो आपके पास होता है थ्री डी सिक्स होता है

डी है सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन और डी में कौन सा है छठा तो डी का छठा चेक करोगे डी का छठा कौन होता है डी स्टार्ट कहां से होता है डी स्टार्ट होता है सब थ्री से तो डी का छठा डी ब्लॉक का छठा ठीक है तो तीन चार पांच छ सात तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया सॉरी कुछ गड़बड़ बोला क्या तीन चार पाँच छ सात

पीरियड बताता है सर उसका समरी बता दीजिए उसका समरी समरी अच्छा उसका समरी बता दो कि हाईएस्ट कोफिशिएंट पीरियड कैसे बताता है ये पूछना चाहते हो यस सर मास्टर जी सब बता दो आप मेरे को ठीक है लेकिन हम सर क्वेश्चन तो नहीं करेंगे देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट पीरियड क्यों बताता है उसका रीजन देख लो केलेवन भरने सिखाया ना अभी जब बचपन में पीरियड ट्वेल्व पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट का मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए सेकंड का मतलब हुआ सेकंड में कितने आए थर्ड का मतलब हुआ थर्ड पीरियड में कितने आए फोर्थ का मतलब हुआ कि फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डाला गया है जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम किस ऑर्बिट तक गए हैं पीरियड हमको यही पता चलता है कि मैक्सिमम किस ऑर्बिट तक आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया हाइड्रोजन का पीरियड वन है मतलब उसका एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है सोडियम का पीरियड टू सॉरी सोडियम का पीरियड थ्री है तो उसके उसका मतलब हुआ कि उसमें तीन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है लिथियम का पीरियड टू उसके दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील्ड है अभी आयरन का पीरियड फोर हो गया इसका मतलब हुआ उसके चार ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील्ड है जैसे ही तुम आयरन का लिखने आओगे ऐसे कंफ्यशन लिखने आओगे केलेमेन के फॉर्म में कंफ्यशन लिखने आओगे तो ध्यान रखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई साहब पहले पीरियड पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ तो वन से पता चलेगा सेकेंड वाले में टू से पता चलेगा थर्ड वाले में थ्री से पता चलेगा फोर्थ वाले में फोर से पता चलेगा मैक्सिमम कोफिशियंट का मतलब हुआ कि यार वही तो मैक्सिमम ऑर्बिट है जिस जहां तक इलेक्ट्रॉन भरा था उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं है चाहे वो एक भरा दो भरा पांच भरा दस भरा तो अपने को ये पता चल गया कि मैक्सिमम कितने ऑर्बिट्स भरे हैं

एसपीडीएफ का पता होना जरूरी है बिना एसपीडीएफ का ग्रुप नहीं बता सकते हाँ आपको अगर मैं कोई भी रैंडम आइटम दे दूंगा तो आप उसका पीरियड तो बता सकते हो अगर आपको केल में सही से पुट करने आता है तो ठीक है चाहे वो आइटम कोई भी दे दो लेकिन अगर आपको ग्रुप बताना है तो आपको एसपीडीएफ का जानकारी होना जरूरी है अगर नहीं है जानकारी तो आपको एसपीडीएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ मरोड़ के लगाने आना चाहिए मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ बता दिया कि ऐसे याद कर लो ऐसे लगा लो ऐसे याद कर लो ऐसे लगा लो तो लगा सकते हो बचपन में एक चीज सिखाई जाती थी अगर किसी को आता है तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा बोलते थे कि अगर 20 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं आपके पास तो आप कैसे फिल करोगे तो एक चीज सिखाई जाती थी बहुत लोग तो जा चुके ने आपको पढ़ाई होगी तो कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो मुझे दे दिया जैसे ट्वेंटी सिक्स ले लिया लिया कि 26 को कैसे फिल करेंगे अगर मुझे एसपी नहीं आता अच्छा है तो आप भर सकते हो ट्वेंटी को तभी भी कैसे भरोगे तो देखो इसका नियम ऐसे होता है कि पहले anyway. में दो पता है सर दूसरे में आठ पता है सर तीसरे में कितने भरे तो कहते हैं कि देखो तो कभी भी भरना शुरू करो तो कभी भी कहीं भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हो तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी होती है कि आउटर मोस्ट में कभी आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता ये बचपन का एक नियम पढ़ाया गया था आपको कि आउटर मोस्ट में आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते तो यहाँ आठ भर दिया आपको पता है कि आठ से आधे नहीं जा सकते इसकी कैपेसिटी है अठारह लेकिन आठ से अधिक आप नहीं जाओगे ठीक है तो आउटर मोस्ट में यहां कितना भर दिया सर आठ भर दिया ठीक है अब उसके बाद आता है कि भैया कितने हो चुके हैं तो दस और आठ अठारह इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अभी भी बचे हुए अपने पास आठ इलेक्ट्रॉन अब उनको कैसे भरे तो इस आठ को भरने के बाद जो नेक्स्ट में बोला जाता है कि जब आठ आपने भरा और उसमें अभी और भरने की कैपेसिटी है देखो ये कंडीशन बहुत सारे हैं उसमें और भरने की कैपेसिटी है तो उसके आगे वाले में दो भरो तो दो भर दिया अब जब आगे वाले में दो भर दिया तब तो पीछे वाले में वापस आ जाओ और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जहां तक था वहां तक पहुंचा दो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 तक है इसमें कितने बचे हैं तो 8 दो 10 10 आठ अठारह अठारह दो 20 20 बचा हुआ जो छह इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पुट कर दो तो प्लस छ कर दिया तो क्या हो गया कन्फिग्रेशन ये हो गया ठीक है 21 के लिए भरते तो सेम कहानी होती कि दो आठ आठ दो और फिर यहाँ पे एक ऐड होता तो नौ हो जाता तो यही तरीका है आपका एसपीडीएफ एसपीडीएफ uh, को तोड़ मरोड़ के लगाने का के एल में आप चाहो तो के एल से भी भर सकते हो तरीका बता दिया बिना एसपीडीएफ का यूज किए यहां से ग्रुप पीरियड भी पता कर सकते हो देखो तो ग्रुप पीरियड यहीं से मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूं तुम कैसे पता करोगे देखो <coughs> यहां चेक करो एक चीज ये तुमको दिख रहा है

तो छे और दो आठ तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया? हो गया जब गया जब बचपन में ओलंपियाड किया इन सब सब की तैयारी कराते हैं तो हैं तो अपन ये सिखाते कि देखो यहां तक भर दिया ठीक है उसके बाद अब पीछे आके कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे छे इलेक्ट्रॉन भरे थे तो छे ये और दो ये तो इसमें उनको ऐड कर दो तो ग्रुप सीधे कितना आ गया आठ तो मतलब आयरन का जो ग्रुप नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा आठवा हो जाएगा खेल खत्म हो गया

हाँ, ये उसके लिए बेटा जिसको एसपीडीएफ नहीं आता है ठीक है मान लो किसी ने बोल दिया चलो किसी ने बोल दिया ट्वेंटी नाइन का कैसे भरोगे भरो आठ ये कितना हो गया दो कितना बचा तुम्हारे पास काउंट करो तो ये देखो कितना बचा है ये बच गया तुम्हारे पास नौ नहीं ये बच गया तुम्हारे पास नौ बचा हाँ नौ बचा ठीक है तो नौ बच गया ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे तो सर ग्रुप नंबर बताने का देखो तरीका क्या है दो नौ तो कितना हो गया नौ दो ग्यारह ग्रुप नंबर ग्यारह मान लो लोटो थर्टी वन होता तब क्या करते तो देखो थर्टी वन होता तब क्या कहानी है कि इकतीस होता तो दो यहां भरा फिर इसमें भर दिया दस क्योंकि अपने को पता है कि अब अठारह इसका कंप्लीट हो चुका है तो ये हो गया दस अब फिर अभी भी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो प्लस टेन प्लस वन ग्रुप नंबर कैसे पता करें दो दस एक दो दस एक तो तेरह ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया तेरह हो गया तेरह हो गया नहीं बारा एक तेरा हाँ तो ग्रुप नंबर आपके पास क्या हो गया तेरा हो गया खेल खत्म हो गया तो ये एक तरीका होता है जो बचपन में सिखाते थे, थे ग्रुप और पीरियड अगर आपको बीस से अधिक जानना है तब ठीक है चलो एनीवे सर हेलो बोल भाई जल्दी मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होना जल्दी बोलो ना ऑफ हो जाएगा थे थर्टी वन वाले में बोलो सर टू से टू में वन टू से फिर वन है, तो sir, क्या होगा ग्रुप वाला ग्रुप मैंने क्या, मैंने क्या बोला था तीनों को ऐड कर देंगे तीनों को ऐड करेंगे ना दो से दस में गए तो इधर दस आया और इधर एक आया तो कितना आ गया टोटल थर्टीन हो गया ठीक है ओके सर हाँ, बट ये भी ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप फिफ्थ सिक्स में आगे जाने जाते जाओगे तो ये चीजें बदल जाएंगी और ध्यान रखो एस मतलब एफ ब्लॉक के लिए नॉर्मल रूल्स नहीं लगते एक चीज बता देता हूं को, कोई है नहीं तो ठीक है पता नहीं समझ जाओगे तो अच्छी चीज है वरना कोई बात नहीं ठीक है एफ मैंने क्यों नहीं बताया उसका रीजन एक है कि इफ में ऐसा होता है कि जब अपन बात करते हैं भरने के लिए तो इफ में नियम ऐसा है कि पहले डी का एक भरो तब जाके आप एफ में कोई भी भर सकते हो मतलब डी का एक भरना कंपलसरी कंडीशन होता है एफ ब्लॉक भरने के लिए और ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको समझने के लिए कुछ और भी चीजें आपको समझनी आनी चाहिए इसलिए मैंने एफ ब्लॉक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया ठीक है चलेगा yes, चलो ठीक है चलो आज की सभा समाप्त करते हैं <laughs> सर वाह मतलब फॉर्मेलिटी के लिए फोर्थ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना होता है Uh, सर बताना ग्रुप एक बार देख चलो अभी भी किसी को समस्या आ गया? पूछ लो देखो अभी बता सकता हूं यार कोई दिक्कत नहीं जो भी समझने में समस्या है तो पूछ लो कोई ऐसा इसको पूछना अभी तो है टाइम भी मेरे पास चलो ठीक है ओके चलो बाय बाय। अरे नोट्स तो तुमको दिया हुआ है ग्रुप में नोट्स के लिए क्यों रो रहे हो पूरा चैप्टर का नोट्स दिया है मैंने सर नोट्स भेज दिया कीजिए पूरे चैप्टर का नोट उसमें तो ग्राफ भी मिल जाएगा यार उसमें तो ग्राफ भी बनाया हुआ है चलो मैं ग्राफ भेज दूंगा तो तिरपन पेज का है तो है वो तो पढ़ना मतलब तो नहीं पढ़ोगे ये बताओ उसमें क्या कर सकते हैं यार पढ़ना तो है ना हाँ स्टूडेंट का है मेरा पिछले से पिछले साल का है ठीक है 2018 का होगा वो चलो ठीक है